24 जर्मनस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। टूट रहे हैं 500 के नोट। सांगली महाराष्ट्र के सांगली में 500 रुपए के नोट टूटने की घटना घटी है। जैसे ही इन नोटों को मोड़ा जाता है, नोट के टुकड़े हो जाते हैं। इन नोटों को लेकर जब बैंक में ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी के कारण केमिकल रिएक्शन से यह संभव हो सकता है। मामला अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंच गया है, जिसकी जांच की जा रही है। सांगली के बिटा शहर में रहने वाली एक महिला दिहाड़ी मजदूर है, जिसे मजदूरी के 7000 रुपए मिले थे। बैंक ने टूटे नोट लेने से मना किया। महिला मजदूर ने ये सभी रुमाल में बांधकर पैकेट में रख लिए। जब 2 दिन पहले उसने नोटों को पैकेट से निकाला तो वे टूटने लगे। पड़ोस में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनिल राठौड़ को उसने अपनी समस्या बताई। अनिल राठौड़ ने बताया कि जब महिला शिकायत लेकर आई तो पहले लगा कि ये नकली नोट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं था, नोट असली ही थे। अब इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस की मदद ली है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।